यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए, और ये एकदम फ्री है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि होता है फीमेल से रिलेटेड होता है। फीमेल्स में अक्सर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, समस्याएं होती हैं, जिसके एकमात्र मैं ट्रीटमेंट लेकर रही हूँ, जिसका नाम है मेंसोल टॉनिक। ये टॉनिक बहुत अच्छा टॉनिक है, जो कि इस सभी जितनी भी फीमेल्स की जितनी भी ज़्यादातर तकलीफें होती हैं उसको पूरी तरह से ठीक करने में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। तो इस टॉनिक में किस किस प्रॉब्लम में आप ले सकती हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। इसके अलावा उस जो टॉनिक है उसमें कौन कौन सी मेडिसिंस यानी होम्योपैथिक मेडिसिंस मिली हुई हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगी, और उसे कैसे लेना है आखिरी में वो बताऊंगी। इसीलिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉनिक जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपके घर में, फैमिली में जितनी भी फीमेल्स हैं वो इस टॉनिक को उपयोग कर सकती हैं और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम से उनसे दूर रह सकती हैं। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं या ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा यदि जब भी मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड करूंगी। तो लाइक, यदि अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे किसी भी क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर महिलाओं में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, कुछ ना कुछ तकलीफ उन्हें लगी रहती हैं। हमारे घर की फीमेल्स जो होती हैं, हमारे मम्मी हो गई, हमारी बहनें हो गई, हमारी पत्नी हो गई, या हमारे घर में जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनको स्वास्थ्य संबंधित कुछ ना कुछ तकलीफ होती ही होती है। ऐसी कोई भी फीमेल नहीं है जिनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और मेंस्ट्रुएशन यानी कि मासिक धर्म से रिलेटेड तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे मासिक धर्म का नहीं आना, समय पर नहीं आना, कम होना या बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। इसके अलावा मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा पेन होता है कभी कभी, और जो फीमेल्स होती हैं या जो भी गर्ल्स होती हैं, छोटी बच्चियां जो होती हैं, उस दर्द को सहती रहती हैं, बर्दाश्त करती रहती हैं, कुछ ट्रीटमेंट ले लेती हैं, कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेती हैं, बस वो सोचती हैं कि मेंस्ट्रुएशंस में या मासिक धर्म में ऐसा ही होता ही होता है। मासिक धर्म की जैसे और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे असामान्य मासिक धर्म होना, बहुत ज़्यादा मासिक धर्म होना या बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होना, मासिक धर्म के दौरान कमर दर्द होना, पेट दर्द होना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, चिड़चिड़ाहट भी होती है, गुस्से स्वभाव भी हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। महिलाओं को सफ़ेद पानी यानी कि लिकोरिया की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे एज होती जाती है, या कमज़ोरी की वजह से, या बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करने की वजह से, और बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से, ठीक तरह से संतुलित आहार नहीं लेने की कमी की वजह से, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत ज़्यादा कारण होने के कारण, कुछ भी कारण होने की वजह से उनको लिकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें बैक पेन होता है, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हमेशा बना रहता है। अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा, कोई भी महिला हमारे घर में जो भी होती हैं, फीमेल्स होती, वो अक्सर कहती रहती है हमारी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, हमारी कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो उनको अक्सर ये यूज़ टू हो जाती हैं इस प्रॉब्लम को, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाती हैं, बस सहती रहती हैं। उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में फीमेल्स में। इसके अलावा जो हमारी 60% महिलाएं होती हैं उनमें लिकोरिया की प्रॉब्लम होती ही रहती है, और इसके अलावा उनमें हीमोग्लोबिन की भी कमी बहुत ज़्यादा होती है। हीमोग्लोबिन कमी होने की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है, बहुत ज़्यादा थकावट उन्हें महसूस होती है, और हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से वो बहुत ही जल्दी अवसाद की शिकार हो जाती हैं। अवसाद की शिकार हो जाने के कारण उनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। अवसाद के कारण जो महिला होती है उनको भूख की कमी हो जाती है, और भूख की कमी हो जाने की वजह से, खाना नहीं खाने की वजह से, डाइट नहीं लेने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे वो बीमार हो जाती हैं। और ये जितनी भी समस्याओं के बारे में मैंने आपसे बात की है, ये सभी समस्याएं मिलकर एक बहुत ही बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। तो इन सभी समस्याओं के लिए होम्योपैथी में एक टॉनिक है जो कि इन सभी प्रॉब्लम से लड़ते में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इन सभी प्रॉब्लम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है।
इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए, लड़ने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा अच्छा एक होम्योपैथी सिरप है जिसका नाम है मेंसोल लेडीज सिरप। इसकी इमेज मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो ये जितनी भी समस्याओं के बारे में मैंने आपसे बात की है, ये इन सभी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, इन सभी प्रॉब्लम की समस्याओं के लिए ये बहुत ही अच्छा टॉनिक है, बहुत ज़्यादा असरदायक है। इसका सेवन यदि आप करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा आपके लिए और सभी जितनी भी हमारे घर की महिलाएं होती हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी टॉनिक है। इसमें कई सारी दवाइयाँ मिली हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम्योपैथी दवाइयाँ मिली हुई हैं जो सब मिलकर एक टॉनिक बनाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है लेडीज़ की जितनी भी प्रॉब्लम है उनके लिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ मिली हुई हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं या वो किस तरह से काम करती है। तो इसमें सबसे पहले मेडिसिन जो मिली हुई है वो है अशोका, जो होम्योपैथी दवाई है जिसका नाम है अशोका। इसे जो लेडीज़ होती हैं उन्हें अलग से भी दिया जाता है क्योंकि ये जो लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा असरदायक है। यदि उनको लिकोरिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको यदि असामान्य मेंस्ट्रुएशंस होते हैं या मासिक धर्म जो होता है वो सामान्य होता है, उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी बनी रहती है, तो उन लेडीज़ के लिए ऐसी प्रॉब्लम यदि उनको होती है तो अशोका जो मेडिसिन होती है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसके बाद हमारी अगली मेडिसिन है जो इस टॉनिक में मिली है वो है चिंकोना ऑफिसिनेलिस। यह दवाई कमजोरी को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। यदि ऐसी महिलाएं हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और जिनका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो चिंकोना ऑफिसिनेलिस जो मेडिसिन होती है उनकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, उनके हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो यदि जो फीमेल्स होती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन की अक्सर प्रॉब्लम होती है जो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वो अलग से भी इस मेडिसिन का उपयोग कर सकती हैं। इसके बाद में इसमें अगली मेडिसिन जो मिली हुई है उसका नाम है एम्ब्रोमा एगोस्टा। उन महिला जो ये मेडिसिन होती है ये महिलाओं के यूट्रस पे जाके एक्शन अपना दिखाती है, ये एक्ट करती है। जिन महिलाओं को, लेडीज़ को या गर्ल्स को यदि मासिक धर्म समय पर नहीं होते हैं तो उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा लाभदायक मेडिसिन होती है। इसके बाद में इसमें अगली मेडिसिन मिली हुई है कोलोफाइलम। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं में, गर्ल्स में पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कमर में दर्द बना रहता है। तो इस तरीके की समस्याओं के लिए यदि आपके पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, तो इस समस्या के लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इसके बाद हमारी अगली मेडिसिन है वाइबर्नम ओप्यूलस। यदि मासिक धर्म समय पर नहीं होते हैं या बहुत यदि होते हैं तो उनकी क्वांटिटी जो होती है बहुत कम होती है और क्वांटिटी कम रहने के साथ साथ यदि वहाँ पे आपको बदबू समझ में आती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, तो ये जो मेडिसिन है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है ऐसे केसेस में। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें पल्सेटिला। यदि मासिक धर्म आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है या बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होता है, दोनों केसेस में यदि ज़्यादा हो या कम हो तब ये मेडिसिन जो होती है बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। मासिक धर्म के दौरान यदि आपको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, उसके अलावा पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो पल्सेटिला मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। उस दौरान यदि आपको हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है, तब भी इस मेडिसिन का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली मेडिसिन है मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। किसी भी तरीके का दर्द हो, दर्द के लिए यदि कोई मेडिसिन का सबसे पहले नाम आता है तो वो होता है मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। जो ये मेडिसिन होती है दर्द में, यदि मासिक धर्म के दौरान आपको दर्द होता है, फिर वो चाहे दर्द पेट में हो, उदर में हो या बैक पेन हो, हर तरह के दर्द के लिए ये बहुत ही ज़्यादा असरदायक मेडिसिन होती है। इसके बाद इसमें अगली मेडिसिन मिली हुई है कैल्केरिया फॉस्फोरिकम। यदि ये जो मेडिसिन होती है ये कैल्शियम की कमी को दूर करती है। अक्सर महिलाओं में कैल्शियम की कमी हो जाया करती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, 30 के बाद में जो होता है कैल्शियम जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और 50 पहुँचते पहुँचते तक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की भी प्रॉब्लम आगे चलकर होने लगती है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है, मैं आई बटन पर उसे बता दूंगी, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो जब कैल्शियम की कमी होने लगती है तो दर्द और ज़्यादा होने लगता है। कैल्शियम की कमी की वजह से ज़्यादातर दर्द होते हैं, जैसे कि बैक पेन जब होता है तो हो सकता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से हो। तो इसलिए कैल्केरिया फॉस्फोरिकम जो होती है वो कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन होती है।
तो मेंसोल में जितनी भी दवाइयाँ मिली हुई हैं ये बहुत ज़्यादा असरदायक मेडिसिन्स हैं किसी भी लेडीज़ की प्रॉब्लम जो भी समस्याएं होती हैं उनके लिए। तो मैंने उन सभी मेडिसिन्स के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है। इसके बाद इस मेडिसिन को, इस टॉनिक को लेना कैसे है उस बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। यह दवाई जो होती है महिलाओं की सभी समस्याओं के लिए उपयोगी होती है। यदि कमी है, खून की कमी है या आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम है तब आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको ये सब समस्या नहीं भी है और आप चाहते हैं कि आगे जाके इस तरीके की प्रॉब्लम आपको ना हो तब भी आप इस टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं। इस मेडिसिन के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन्स होने के कारण इसकी कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। आप चाहें तो लंबे समय से इस मेडिसिन का, इस टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं और आप चाहें तो इस टॉनिक को आप उम्र भर भी ले सकती हैं। इस मेडिसिन को आप दिन में एक एक चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं। आपको इस मेडिसिन को लेना कैसे है तो आप थोड़ा सा पानी लीजिए आपकी सुविधा के अनुसार, या आधे कप पानी में आपको इसका 1 चम्मच डाल देना है और इस मेडिसिन को आपको दिन में 3 बार लेनी है। कोशिश करें कि आप पानी के साथ ही इस मेडिसिन को लें जिससे उसका जो टेस्ट होता है उसकी वजह से कोई परेशानी ना हो। जितनी भी मेडिसिन्स मैंने आपको बताई है यदि ये सभी होम्योपैथी शॉप में अवेलेबल हैं आपको मिल जाएंगी। लेकिन यदि आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो यदि पॉसिबल हुआ तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो वहां से भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि इसकी आप बड़ी बॉटल लेकर आएँ क्योंकि यदि आप बड़ी बॉटल लेकर आते हैं तो इसे आप लंबे समय तक इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। कुछ दिनों के लिए आप मेडिसिन का उपयोग करते हैं तो इतना जल्दी असर समझ में नहीं आता है। लंबे समय तक यदि आप लेते हैं तो आपको इसके रिजल्ट जो होते हैं डेफिनेटली आपको देखने को मिलते हैं और मिलते भी हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके बाद मैं इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। इसके बाद मैं मिलूंगी दूसरी किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।